कलराज मिश्र जी को फिर एक जिम्मेवारी मिली है और यूपी से लेकर हरियाणा तक अब तक जो जो उनको जिम्मेवारी मिली थी बखूबी निभाई थी। सर सबसे पहले तो शुभकामनाएं टोटल न्यूज की तरफ से, राज्यपाल बनकर आप जा रहे हैं अब हिमाचल, किस तरह की ये नई जिम्मेवारी को देखते हैं आप? और इससे पहले जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड में बता भी रहा था कि यूपी से लेकर हरियाणा जहां जहां चुनाव खुद भी लड़ते रहे लंबे अरसे तक, कैसा रहेगा, किस तरह इस जिम्मेवारी को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे संगठन की तरफ से, संगठन की दृष्टि से भी और सरकार के हिसाब से भी अनेक बार जिम्मेदारियां दी गई और मैंने उसको प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास किया। अब ये जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में दी गई है, ये पूर्णतः संवैधानिक है और प्रत्यक्ष राजनीति की दृष्टि से जो काम होता था फील्ड में, हम राजनीति के हिसाब से दल की दृष्टि से काम करते थे, अब वो न करके संवैधानिक प्रमुख होने के नाते पूरे प्रदेश को किस ढंग से ठीक चल सके, संविधान की मर्यादा को किस तरीके से व्यवस्थित रखा जा सके और संवैधानिक आधार पर शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको देखते हुए एक अच्छी स्थिति बन सके प्रदेश में, इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। सर अभी तो कार्यभार संभाला नहीं, एक लास्ट सवाल तो इस पर बनेगा ही, क्योंकि आखिरी जिम्मेवारी जो मिली थी हरियाणा की और वहां आप 10 सीट जिताकर भेजे क्योंकि लोकसभा प्रभारी बनकर गए थे, लगता है कि उसी ट्रैक रिकॉर्ड के चलते भी और आपका जो पुराना कार्यकाल रहा है बीजेपी उसके चलते भी एक अच्छा पोस्ट मिला है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि नेतृत्व को निश्चित रूप से अनुभव होता रहा है कि कलराज जी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। ये भी जिम्मेदारी दी गई तो इसी अपेक्षा से दी गई है कि यहाँ जाएंगे तो राज्यपाल के रूप में भी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखेंगे और उसमें भी एक आदर्शात्मक स्थिति निर्माण करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से उम्र का जो एक बैरियर होता था कि भाई बीजेपी एक आदर्श के तौर पर एक 75 उम्र के बाद आप मंत्री थे, पहले मंत्री पद छोड़ा, 2019 के लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़े, आपने जो तमाम रीति है इस पार्टी की संगठन की निभाई है, इसलिए इसको भी निभाऊंगा, अच्छी तरह से निभाऊंगा। अब इस समय इन्होंने जिम्मेदारी दी है मुझे तो जिम्मेदारी का ढंग से निर्वहन करूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो कलराज मिश्र जी अब हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर अपना काम संभालेंगे और संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने का पूरी तरह से आश्वासन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल कुमार के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज दिल्ली।